पहले जो फिल्मों में रोल होता था ना मेरे जैसे लोगों का, वो रोल आया गया, मुझे तो बनना था, और मैं अगर बुरा मान के बैठ जाता, मुँह बना के बैठ जाता, तो कुछ नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया और अपने काम पे फोकस किया, और जब भी काम मिला मैंने काम को ईमानदारी से किया, और रिजल्ट आपके सामने है। अगर आप में दम है तो मुंबई आइए, या जहाँ भी हैं आप वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री में काम कीजिए, फिल्म इंडस्ट्री सबको गले लगाती है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। अब भोजपुरी सिनेमा जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ा है, इससे हमें सीखने को, समझने को बहुत कुछ मिलता है कि हिंदी के अलावा भी रीजनल भाषा में भी काफ़ी काम होता है, हिंदी के आर्टिस्ट भी रीजनल भाषा में काम करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। यहाँ पर आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मेरे साथ हैं K.K.Goswami जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। तो हम बहुत दिन से इनको चेस कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, बहुत सारे सेट्स पे गए, नहीं मिल पाए, बिजी रहते। इतना बिजी कैसे रह लेते हो सर, एज एन एक्टर इतना बड़ा करियर स्पैन और इतना सस्टेन कैसे करा, क्या राज है? बिजी नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, और काम तो चाहिए ही। और 2000 किलोमीटर बिहार मुजफ्फरपुर से चल के मैं मुंबई महाराष्ट्र में आया हूँ, मुंबा देवी माता की कृपा है। सो बिजी होने के लिए ही आया हूँ, अगर आराम से सुख चैन की ज़िंदगी जीना होता तो बिहार में होता। क्योंकि हम काफ़ी दिन से इनको चेस कर रहे हैं, बहुत जगह गए सेट पर, हमेशा बस यही छूट जाते थे, इनसे मुलाकात नहीं होती, इसलिए आज विरार में आके हम शूट कर रहे हैं आपका इंटरव्यू। जी थैंक यू, ये तो आपका पावर है, आप लोगों ने कैसे ढूंढ निकाला एक एंटायर गांव विरार का, एक ये भटाने गांव में आप ढूंढ ढूंढ के आए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। ओके, आप अपने दर्शकों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका ये चैनल दिन दूना रात चौगुना तरक्की क्या बात है। नहीं, आपकी क्या पॉपुलरिटी के जी इतनी है, मुझे खासतौर से बच्चों ने बार बार कहा कि हमें K.K.Goswami जी से मिलना है, आप मिलवाइए, क्योंकि गुटरगू से आप फेवरेट हो गए उनके, विकराल से फेवरेट हो गए उनके। आपने ये जो सीरियल्स में जब भी आप गए तो आप वहाँ पे चिपक गए एज ए करेक्टर, उसकी खास वजह क्या थी, क्यों ऑडियंस इतना कनेक्ट होती है आपसे? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं जो गबरू वाला सीरियल था मेरा, मैं उसमें सिर्फ 4 एपिसोड के लिए आया था। ओके, और आज मैं गबरू के ही नाम से जाना जाता हूँ, और उसके पहले भी शक्तिमान सीरियल में मुझे कुछ दिनों के लिए बुलाया गया कि खल्ली बल्ली दो छोटे छोटे कैरेक्टर होंगे और जब उनके ऊपर शक्तिमान चढ़ाई करेंगे तो वो दोनों एक बन के एक राक्षस बन जाएगा जो लंबा चौड़ा होगा। हाँ। और वैसा हुआ, लेकिन शायद दर्शकों का प्यार है जो वो चिपक के एक तो बनते थे लेकिन तुरंत फिर हम दो हो जाते थे, मतलब हमारा कैरेक्टर कंटिन्यू चला। जूनियर जी सीरियल में मैं आया था कुछ एपिसोड के लिए, प्रमोद महतो साहब जो बहुत बड़े हिंदी फिल्मों का विलेन है, वो मुझे जन्म देते हैं अपने जादुई तंत्र विद्या से, और मैं जब जन्म लेता हूँ तो सबसे पहले उन्हीं को मार डालता हूँ। करेक्टर सीरियल जूनियर जी का मेन विलेन मैं बन के रह गया। तो ईश्वर की कृपा है, और ऑडियंस जो हमारे दर्शक हैं, जो बच्चे हैं, बड़े माँ बहने, उन सब का प्यार है, जो जब भी मैं छोटे से रोल में आता हूँ लेकिन मैं कंटिन्यू हो जाता हूँ। तो जूनियर जी से मेरा भी एक कनेक्शन है, शायद के जी नहीं जानते होंगे, मैं जूनियर जी का जो था वो रिकैप वॉइस ओवर करता था पिछले एपिसोड में, आपने देखा, तो तब से मेरा कनेक्शन है कुछ। खैर, अब इस बात पे आते हैं कि ये अब पॉपुलरिटी है, सक्सेस है, काम भी आप अच्छा कर रहे हैं, मनचाहा काम भी कर पा रहे हैं, हर मीडियम में काम कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप इतनी दूर से चले थे जी, तब संशय कितने थे, डाउट कितने थे, क्या मन में चल रही थी उथल पैथल? मन में कुछ नहीं, मैं एकदम क्लियर था, पूरी तरह से क्लियर था कि मैं हीरो बनने जा रहा हूँ मुंबई। ओके, और जैसे अमिताभ बच्चन साहब हैं, अपने दिलीप साहब हैं, और उन दिनों तो यही लोग हीरो होते थे, शाहरुख खान साहब नए नए आए थे, सो मैं भी शाहरुख खान साहब की तरह शाहरुख खान ही बनना चाहता हूँ। तो मैं आया तो था शाहरुख खान ही बनने, K.K.Goswami बन के रह गया हूँ, आगे और भी कुछ दूरियाँ और तय करूँगा, मैं शाहरुख सलमान की तरह बनना चाहता हूँ, अभी भी मेरी बड़ी इच्छा है कि उनके साथ और उनके जैसा करेक्टर करूं। क्या बात है, तो ये जो विश्वास है, ये आपका विश्वास, कई लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस लगा होगा क्योंकि
आपकी अपनी लिमिटेशंस थी कद को लेकर, एक हद थी, उसके बाद इतना विश्वास होना खुद पे, कई लोगों को आत्मविश्वास नहीं लगा होगा, उनको लगा होगा ये ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कुछ कि शाहरुख खान बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तब उसको कैसे झेलते थे आप? बिल्कुल, एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था मैं और चांदीवली के गुफा में, तो वहाँ पर एक दिन पूरा निकल गया, मेरा शॉट नहीं हुआ, दूसरा दिन आधा दिन से ज़्यादा हो गया, तो मैं डायरेक्टर के पास पहुंच जाता था हर शॉट के बाद, सर मेरा कब, करते हैं बैठो बैठो, फिर मैं चला जाता, फिर दो शॉट हो जाता, फिर आ जाता, सर अभी तक 3-4 घंटा बचा है, मेरा कब होगा, अरे यार होगा ना होगा ना। फिर बाद में एक असिस्टेंट ने मुझे बोला कि तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा जो रोल है ना, सो जब पिंकी चिनाई जी थी उसमें शायद आइटम डांसर, सो जब ये डांसर ने इधर से शुरू करी है, ये डांस करते 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 जब यहाँ आएंगे तो वहाँ पर तुम उसको मिलोगे और फिर वो डांस करते आगे निकल जाएगी, यहीं रह जाओगे तुम। तो मैं बोला और फिल्म के अंदर फिर मेरा रोल, और बोले नहीं इतना ही है बस। मैं डायरेक्टर के पास फिर पहुँच गया, सर सिर्फ गाना में इतना ही सर आऊँगा? बोले हाँ। नहीं सर मेरे को रोल दीजिए, मैं मेन रोल करना चाहता हूँ, जैसे आपके यहाँ जॉनी लीवर साहब हैं उस तरह का रोल दीजिए, कम से कम कॉमेडी में। तो बोले क्या तुम क्या बोला? मैं बोला सर हीरो जैसा रोल दीजिए। तो हाँ सेम और इधर आओ, शहजाद भाई थे अजीत साहब के बेटे, आओ शहजाद सुनो सुनो, सब लोग बैठ गए। हाँ तो क्या करना, क्या बनने आए हो? मैं बोला हीरो बनने आया हूँ। तो मुझे पता था कि हाँ लोग थोड़ा टिकल कर रहे हैं, थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो बनना था, और मैं अगर बुरा मान के बैठ जाता, मुंह बना के बैठ जाता, तो कुछ नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया और अपने काम पे फोकस किया, और जब भी काम मिला मैंने काम को ईमानदारी से किया, और रिजल्ट आपके सामने सामने जो कि बहुत ही कामयाबी से भरा हुआ है। और इसी में एक बात समझ में आती है कि जब भी खास तौर से छोटे कद के लोगों को रोल मिलते हैं तो बहुत गिने चुने टाइप कास्ट काइंड ऑफ होते हैं, लेकिन आपने बतौर कलाकार, एक जैसा नॉर्मल कलाकार होता है उसके तौर पे सारे रोल्स को हथियाया भी, या कहना उस पर बिल्कुल राज किया। बिल्कुल। तो वो जो करना होता है, जो लिमिटेशन से आप पार चले गए, एक्सेलेंस में पार चले गए, उसको कैसे आपने प्लान किया था, कैसे किया? आपने बहुत सही बात बोला है कि पहले जो फिल्मों में रोल होता था ना मेरे जैसे लोगों का, वो रोल आया गया, या फाइट में आया, फाइट चल रहा है उसमें कहीं लटक गया, कहीं फेंक दिया, बात ख़त्म। फिर मैं आकर डायरेक्टर लोगों से मिला, राइटरों से मिला, यही शक्तिमान में जो ब्रिजमोहन पांडे जी राइटर हैं उनसे मैं मिला, मैं बोला मेरे लिए डायलॉग लिखिए सर, डायलॉग नहीं बोलेंगे तो कैसे, बिना डायलॉग के मैं खड़ा रहूँगा? तो मुस्कुराते थे, मुकेश खन्ना जी मुस्कुराते थे, दिनकर जानी साहब डायरेक्टर हैं वो बोले क्या तुम डायलॉग बोलेगा? मैं बोला हाँ सर बोलूँगा ना। तो पहले एक डायलॉग दिए, अंधेरा कायम रहे, फिर बोले थोड़ा और करके करके, बाद में तो ऐसा हुआ कि उन्हीं का दूसरा सीरियल एक शुरू हुआ आर्यमान, आर्यमान में मुझे 2-3 रोल कराया उन्होंने मुझसे, एक कराया जो 10,000 साल का बुड्ढे का रोल, ओह 10,000 साल का मैं हो चुका हूँ, और आर्यमान का जन्म होता है, आर्यमान जब आते हैं तो उनको मैं शिक्षा दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे गुरु घेर के उनको खड़े रहते हैं और मैं उनको भाषण दे रहा हूँ, इसको ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए। फिर उसी में एक रोल किया मैं, जो मेन विलेन है उनकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है और जब बच्चे को जन्म देती है तो मैं जन्म लेता हूँ, जो राक्षस है, पूरा ब्लैक 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 क्रोकोडाइल का टेल लगा हुआ, और जन्म लेते ही अपनी माँ की हत्या कर देता है। ओके। वो रोल किया। तो मतलब इतने जिम्मेदारी वाले भी रोल मिलने लगे जब आपने धीरे धीरे साबित करना शुरू किया। अब एक और चैलेंज पे आता हूँ, जो आपने कहा था गुटरगू, गुटरगू में नॉर्मल एक एक्टर के लिए उसके डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब इस सबको बंद कर दिया गया, म्यूट कर दिया गया, उसके बाद भी उस सीरियल में काम करना, बिल्कुल लगातार करना और दर्शकों में अपनी एक छाप छोड़ना, कितना चैलेंजिंग था, और जब वो कामयाब हुआ तो कैसा लगा? गुटरगू अपने आप में ही चैलेंज है। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो सोचा भी नहीं था कि ये सीरियल इतना लंबा चलेगा, और गुटरगू जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे फर्स्ट डे,
मुझे याद है भावना जी जो शोभा खोटे जी की बेटी हैं, और सुनील ग्रोवर जो गुत्थी हैं कपिल शर्मा में, ऐसा लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, क्या होगा, अच्छा 10-12 एपिसोड बन के हो जाएगा काम ख़त्म। लेकिन जब हमने शुरू किया तो सच में इसमें बहुत मेहनत है। गुटरगू साइलेंट कॉमेडी करना आसान काम नहीं था, बहुत मेहनत से हम लोगों ने उस पर काम किया, करेक्टर को ऑब्जर्व किया और एक्टिंग करते थे, पूरा सीन शूट कर लेते थे, उसके फिर से बाद में हम लोग सीन देखते थे, और अगर मज़ा नहीं आया तो फिर से हम लोग कुछ नया बनाते थे। तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन भी बहुत होता होगा। बहुत इम्प्रोवाइजेशन होता था, हाँ खुला छूट था हम लोगों को, और हम लोग उस छूट का भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि अच्छे अच्छे एक्टर के लिए पसीना आ जाए अगर उसको बोलो कि डायलॉग ही नहीं है, एक्सप्रेस कैसे करेगा वो, क्रिएट कैसे करेगा। बहुत सारे एक्टर आते थे जो पहले ही दिन शूटिंग करते, शाम को जाने के टाइम बोलते बस अगली बार मुझे मत बुलाना। मतलब एक्टर भी ऐसे चांस को ना देते थे। मतलब गुटरगू करना चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। गुटरगू साइलेंट वो भी कॉमेडी, रुलाना तो आसान है पर हंसाना वो भी बिना डायलॉग के बहुत बड़ा चैलेंज था, जो मैं दर्शकों के प्यार के वजह से इन लोगों का इतना ना प्यार मिला कि वो सीरियल सक्सेस हो गया। राइट, अच्छा अब एक चीज़ ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है कहते हैं कि टैलेंट अगर दिखता है तो उसको पूरी रिस्पेक्ट भी देती है, अपनाती भी है, और आपके साथ वो नज़र भी आता है कि जब आपने साबित करना शुरू किया तो उन्होंने भी बड़े बड़े रोल पे आप पे कॉन्फिडेंस दिखाया। क्या वाकई हमारी इंडस्ट्री इतनी अच्छी है कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करती है अगर वो काबिल है? बिल्कुल, यहाँ पर इंसान एनिमल सामान कुछ भी सारा चीज़ यूज़ होता है और सबको उसकी पारिश्रमिक उसका जो जो भुगतान है प्रॉपर किया जाता है, और सबकी इज्जत होती है यहाँ पर। अगर आप में दम है तो मुंबई आइए, या जहाँ भी हैं आप वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री में काम कीजिए, फिल्म इंडस्ट्री सबको गले लगाती है। आप देख सकते हैं कई लोग हैं जो उस जमाने में बेवड़े थे और उन्होंने दारू शराब छोड़ करके एक्टिंग किया। कई अच्छे जॉनी वाकर साहब के बारे में सुनता हूँ कि कभी उन्होंने दारू को टच नहीं किया और वो जॉनी वाकर का ब्रांड भी चालू करवा दिया। तो कई ऐसे भी रहे हैं जो पैर से चल नहीं पाते हैं लेकिन बड़े एक्टर बने हैं। सो ये इंडस्ट्री काम करने वालों की कदर करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नए लोग हैं बहुत सारे, कई बार उनको ये लगता है अरे यार मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ, मुझे काम नहीं मिलेगा, ये जो सब हैं ये उनके खुद के भय हैं, ये एक्चुअल भय नहीं है? नहीं, उनके अंदर का भय है। कोई भी बन सकता है एक्टर, कोई भी जो आप करना चाहते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आप देख लो कि आप में वो दम है क्या, आपके अंदर वैसी काबिलियत है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हैं सिर्फ जोश जोश में। आप टेक्नीशियन बनने के लायक हैं, आप कैमरामैन अच्छा बन सकते हैं, एक्टर अच्छा नहीं बन सकते, लेकिन आप एक्टर बनने आ गए तो आप में अगर है दम एक्टर बनने की तो एक्टर बनिए। आपको कैमरामैन के जैसा अगर आपके अंदर जो टैलेंट है उसी में, जो टैलेंट है आपके अंदर उसको पहचानिए और उसी पर फोकस कीजिए। ठीक है, अब बस लास्ट एक और चीज़ पूछा, कॉमेडी में कहते हैं कि एज एन एक्टर बहुत इम्प्रोवाइजेशन और बहुत इनपुट अपना भी होता है, तो जब डायरेक्टर आपको कोई चीज़ देते हैं तो वो पूरी तरह से आप पे छोड़ देते हैं आज की डेट में, या वो बताते हैं कि नहीं क्योंकि मुझे ऐसा करना है? वो बताते हैं कि ये सीन ऐसा है, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है हम लोग हमारा सीन पढ़ते हैं, हमारा रोल पता होता है, लेकिन जो डायरेक्टर होते हैं उनको पूरी स्टोरी पता होती है, आगे का पीछे का, किसका क्या कैरेक्टर, कौन हीरो कितना सीरियस है, हीरोइन कितनी चंचल है, क्या है, टोटल डायरेक्टर के दिमाग में एंड रिजल्ट उसको मालूम है क्या जी। तो हम जैसे एक्टर, हम तो एक्टर के डायरेक्टर के एक्टर हैं, तो हमारे जैसे एक्टर जो डायरेक्टर बोलते हैं उनको सुनते हैं और सीन को ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो सुनाते रहते हैं और हमारे अंदर पकता रहता है, हमारी प्लानिंग चलते रहती है कि इसको मैं कैसे कैसे करने वाला हूँ। फिर जब रिहर्सल करते हैं उसमें अगर कुछ अपना इनपुट डालना है तो डालते हैं और उनको बताते हैं कि सर मैंने ये वाला इनपुट डाला कैसे, तो या तो बोलते हैं बहुत अच्छा ज़्यादा 90%, या कुछ जगह बोलते हैं कि नहीं सर ये थोड़ा सा सीरियस चल रहा है माहौल, इसमें इसको कम कर दीजिए। ओके, तो हम तो डायरेक्टर के एक्टर हैं, हम वैसे
जीते हैं जैसे हमारा डायरेक्टर चाहते हैं। अभी तक आपकी एक्टिंग को लेकर, आपके टैलेंट को लेकर सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किसने दिया? परसों मैं लखनऊ में था, लखनऊ से भी अंदर सुल्तानपुर में था मैं, तो वहाँ पर भी जिस कॉलेज में मैं प्रोग्राम कर रहा था, प्रमोशन करने गया था, एक फिल्म आ रही है मेक इन इंडिया और एक फिल्म लगने वाली है मेरी मंटो की पलटन, जिसको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। जी जी, 20 के आसपास अवार्ड मिले हैं मंटो की पलटन को। तो जैसे मैं स्टेज पर आया, जो पब्लिक का रिस्पांस था वो करके जो आवाज़ कर रही थी, फिर मैंने सबको प्यार दिया। कई लोग गले लगाते हैं तो ऐसा लगाते हैं, लगता है कि स्वर्ग यही है मेरे लिए। सो मुझे तो बहुत प्यार देते हैं, पब्लिक से मुझे बहुत प्यार मिला है, मैं थैंकफुल हूँ गॉड का। केके जी, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला आपसे। आपने जो भी बताया, दिल खोल के बताया, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थे केके गोस्वामी, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने हर आकार को छुआ है और ये बता दिया कि कद की हद नहीं होती, हद होती है इंसान की सोच की। उन्होंने साफ कहा ये आपके अंदर के भय। आप बहुत सारे बहाने सोचते रहते हैं कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं उतना खूबसूरत नहीं दिखता हूँ, मैं उतना हैंडसम नहीं दिखता हूँ, मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत सारे चैलेंज आप सोचते हैं। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने कहा, अपने आप को साबित करो, अपनी काबिलियत को साबित करो। जब उनको उनके अनुसार काम नहीं मिल रहा था, फिर भी वो रिक्वेस्ट कर रहे थे डायरेक्टर से कि उनको काम दिया जाए, उन्होंने पहले छोटा भरोसा जताया। कहते ना, छोटे कदम से ही बड़ी सफलता की शुरुआत होती है, यही आज का वीडियो सिखाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा के.के. गोस्वामी जी का कौन सा रोल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और आज के वीडियो में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, मैं इनके साथ भी शेयर करूँगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।